किसानों की मांगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर संघर्ष तेज करेंगे। किसानों के साथ पार्टी जवानों, नौजवानों और जनता के लिए हर लड़ाई लड़ेगी। बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय टाउन हॉल में हुई किसान गोष्ठी में संघर्ष का खाका खींचा गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने चित्र माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के द्वारा किसानों के हक में किए गए कामों पर प्रकाश डाला। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में पूर्व विधायक, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर राधेश्याम जायसवाल ने दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि इस प्रकार किसान मर रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने सरकार से मांग कि जो किसान मरे हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। उन्होंने कार्यालय के बाहर जमी फोर्स पर कहा कि लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग और गोष्ठी करने ना दी जाए। पूर्व सदर विधायक ने कहा कि किसानों के लिए 25 दिसंबर तक गांवों में चौपाल लगाए जाएंगे। गोष्ठी में पूर्व विधायक अनिल वर्मा, निर्मल वर्मा, मनीष रावत, अफजाल कौसर, फिदा हुसैन अंसारी, मसूद आलम, रॉबिन सिंह यादव, अंकित त्रिवेदी, महेंद्र यादव, अड्डू, जय सिंह यादव, लाल सिंह सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं पर पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल आई इंडिया से बोले। आज किसान गोष्ठी का आयोजन सब जनपदों में किया जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। किसानों की समस्याएं हैं, बॉर्डर पर किसान जमा हुआ है और इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इस ठंड में इतने लोग मर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो किसान मरे हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और किसानों की मांगों को माना जाए। और मानना पड़ेगा क्योंकि अब देश सड़कों पर आ चुका है। आप देख लीजिए कार्यालय पर इतनी बोर लगी है, यहाँ गोष्ठी हो रही, वहाँ बोर लगी है। क्या लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है कि हमको मीटिंग न करने दे, हमको गोष्ठी न करने दे, हमको आंदोलन न करने दे? अभी तो अब लड़ाई चालू हुई है और आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे किसानों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, अपनी जनता के लिए। यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।